Hello students, a very good morning to all. In this video we will going to start our exercise 2.1 revision exercise. मैंने पिछली वीडियो में आपको करवा दी थी. Then today we will start the exercise 2.1. So 2.1 start करने से पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ. कुछ है बेसिक सा जो इस हमारी एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है. वो क्या है, देखो हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें रिवाइज एक्सरसाइज में क्या क्या किया था, जिसमें पता थे हमारे 2-3 रूल्स यूज़ हुए थे. क्या क्या थे? फर्स्ट तो अगर हमारा क्या है, बेस सेम जैसे, चलो सिंपल एग्जांपल ही लेके बता दूँ आपको अगर मैं, कि अगर जैसे हमारे पास अगर बेस सेम होता था और सेंटर में मल्टीप्लाई होती थी तो हमारा आंसर क्या आ जाता था, वो जो इनकी बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती थी, ऐड, है ना. 2 की पावर 7 आंसर आ जाएगा. जैसे 3 + 4 = 7 बन गया. एक तो हमारा ये यूज़ हुआ था कि जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती थी. पर जब एक इसके ऑपोजिट भी था कि अगर मान लो हमारी पावर्स सेम है, ठीक है, पावर्स सेम है बट बेस आर डिफरेंट. पावर्स तो 2-2 है बट बेस क्या है हमारे पास, डिफरेंट है. जैसे 3 की पावर 2 × 4 की पावर 2, है ना. बेस पावर तो सेम है 2-2 बट बेस आर डिफरेंट. तो इस केस में हम क्या करते थे, बेस जैसे इसमें तो हम अगर हमारे बेस सेम होते थे पावर ऐड हो जाती थी, पर अगर हमारी पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो हम क्या करवाते थे, जो हमारे बेस होते थे इनको मल्टीप्लाई 3, 4 या 12 और पावर सेम है तो ऊपर 2 की 2 एज इट इज़ आ जाती थी. तो हमारा क्या, ये 2 रूल थे, एक बार तो बेस सेम हो एक बार पावर सेम हो, तो दोनों ऐसे लगते हैं. ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है. बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, बट अगर पावर सेम हो बेस डिफरेंट हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है. अगर बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो बेसिस आर मल्टीप्लाइड, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर एज इट इज़ रहती है. जैसे 3, 4 या 12 पावर है जो 2 की 2 एज इट इज़ रही. एक हमने किया था जैसे डिवाइड में हो 2 की पावर 7 डिवाइड बाय 2 पावर 4, है ना. बेस सेम हो बट सेंटर में क्या हो, डिवाइड, तो बेस क्या हो, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस. हमें पता है 7 में से 5 माइनस किए 2, तो ये आंसर. ये 2-3 थे कुछ रूल्स. एक ये था लास्ट वाला कि मान लो अगर बेस सिंगल है उसकी पावर 2-3 पावर्स है, जैसे 2 की पावर 3 इसकी पावर 4, है ना. जैसे 2-3 पावर्स दी हों किसी भी एक बेस की, 2 हमारे पास बेस है, इसकी पावर 3 है, उसकी पावर 4 है, तो 2-2 पावर्स वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, पावर्स को मल्टीप्लाई करवा देते थे. 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 2, 3, 4 या 12, तो हमारा आंसर क्या आ गया था, 2 की पावर 12, है ना. जब 2-3 हमारे पास पावर्स होती थी तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते थे, 3, 4 या 12. तो 4 रूल थे हमारे. अभी इस एक्सरसाइज के लिए हमारा एक, अब तक हमारे पास जितनी भी पावर्स आई थी सारी पॉजिटिव में थी, है ना. सारी की सारी क्या थी, पॉजिटिव में. +7 है ना, जैसे यहाँ पे भी +5 ही था, कुछ नहीं है, यहाँ पे भी प्लस में ही थी. सारी जितनी भी पावर्स थी हमने प्लस के साथ डील की हैं ये, है ना, चारों के जितने भी किए केस. पर अगर हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव में आ जाए, पावर हमारे पास क्या आ जाए, नेगेटिव में, तो कैसे करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल लेट करो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया 3 की पावर हमारे पास -2 है, 3 की पावर -2 है. तो ये चीज़ याद रखो, जब भी हमने पावर माइनस में है, जब भी हमने पावर को माइनस से प्लस में ले जाना हो, जब भी हमने पावर को माइनस से प्लस में ले जाना हो तो क्या करो, जो हमारे पास अंदर होता है ना बेस, उसको रिवर्स कर दो. बेस है जो हमारा, ये बेस है ना, बेस को रिवर्स कर दो तो पावर अपने आप पॉजिटिव बन जाती है. जैसे यहाँ पे 3 है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3/1 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है. चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ओनली 3 लिख लो, चाहे 3/1 लिख दो, बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है. सो अगर मैंने -2 को 2 बनाना है तो क्या करो, जो बेस है इसको रिवर्स कर दो. यहाँ पे 3/1 है, क्या लिख देंगे हम, 1/3 की पावर 2. जब भी हमारी पावर हमने नेगेटिव से पॉजिटिव में ले जानी हो, अब देखो पॉजिटिव 2 बन गई ना, तो बेस को क्या है, रिवर्स कर दो. बस इतनी चीज़ याद रखनी है. एक और अगर आपको एग्जांपल कराऊं तो 3/4 है मान लो हमारे पास, एक ऐसा चलो 3/4 की पावर हमारे पास -2 है, ठीक है. मान लो इसको हमने पॉजिटिव बनानी है तो क्या करो, बेस को उल्टा दो. 3/4 है तो क्या बन जाएगा, 4/3^2, ठीक है ना. बस क्या करो, बेस को रिवर्स कर दो तो हमारी जो पावर है वो नेगेटिव से किस में पहुंच जाएगी, पॉजिटिव में. क्लियर, इतना याद रखना है आपने. रेसिप्रोकल कर दो बेस का.
ठीक है, तो हमारी जो पावर है क्या आ जाएगी पॉजिटिव में। इसके अलावा हमारा इसमें और कुछ यूज़ होगा देख लेती हूँ मैं, वैसे मेनली तो यही चीज़ें यूज़ होनी है और पिछले वाले रूल्स तो एज इट इज़ रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। बस यही है मेनली हमारा। एक चीज़ और है लास्ट चीज़, वैसे यूज हुई किसी क्वेश्चन में शायद ही यूज़ हो पर कर लो एक बार। जैसे ना एक साइंटिफिक नोटेशन होती है, जैसे हमारे पास कोई टर्म है 4567 3 8, ठीक है, अगर मैं बोलूँ आप इसको पावर की फॉर्म में लिखो, आप इसको पावर की फॉर्म में एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखो, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन होती है कि उसको हम साइंटिफिक नोटेशन भी बोल देते हैं, किसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखो। तो देखो एक बात ध्यान से सुनो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ अगर मैं आपसे पूछूँ इट इज़ राइट और रॉन्ग मल्टीप्लाई 10^5, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? आपको कुछ समझ नहीं आया होगा अभी तो, है ना, पर इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। वाई देखो मैंने क्या किया, जैसे ये हमारे पास स्टेटमेंट थी, मैंने इसमें स्टेटमेंट में क्या कर दिया, मैंने एक तो पॉइंट लगा दिया, क्या लगा दिया पॉइंट, 4 पॉइंट बना दिया। अब 4.56738 मल्टीप्लाई इंटू लिख सकते हो इंटू 10^5 लगा दिया। अब ये और ये सेम थिंग है, ये और ये, यस बोथ आर द सेम थिंग। आप कहोगे कैसे सेम है, तो देखो आपको अगर मैं करके दिखाऊं, अगर देखो इसका मैं पॉइंट, अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं तो हमारे पास कितना आएगा 4567 3 8 ओवर पॉइंट हटा के नीचे जितने छोड़ के, पीछे से जितने पॉइंट छोड़ के पॉइंट लगता है उतनी हम नीचे जीरोज लगाते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, तो नीचे मैंने कितनी जीरो लगा सकती हूँ, 5 लगा सकती हूँ इंटू 10^5 एज इट इज़, ठीक है। सो आगे इसको मैं अब क्या लिख सकती हूँ, जैसे अगर मैं 10^5 है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 10 × 10 × 10 × 10 × 10 यही लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको इकट्ठा करूँ तो 1 के पीछे कितनी जीरोज आ जाएंगी, 5 ही आ जाएंगी ना, तो इसका मतलब ये जो मैंने ये लिखा है इसकी जगह पे मैं 10^5 भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 जीरोज हैं। तो इसकी जगह पे अगर मैं दोबारा से यही लिख दूँ, कितना था हमारे पास 4567 3 8 आई थिंक, है ना, हाँ, दिस ओवर नीचे क्या लिख दूँ 10^5 इंटू 10^5, तो 10^5 से 10^5 कट हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग तो वही बचेगा जो हमने स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट ली थी, ये यही बचा है, नहीं बचा तो आएगा तो आंसर हमारा वही। बट इसको एक लिखने का मेथड है, इसको हम जब हम ऐसे पावर्स की फॉर्म में किसी चीज़ को लिखते हैं, जब हम पावर्स की फॉर्म में किसी चीज़ को लिख देते हैं ना पॉइंट लगा के, जैसे ये फॉर्म में लिखा था, तो इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये वैसे यूज़ नहीं होएगा आपका कहीं पे, पर आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो हमने किसी भी एग्जांपल में पॉइंट लगाना है, ठीक है, पॉइंट को शिफ्ट करना है टूवर्ड द राइट और टूवर्ड द लेफ्ट, जैसे मान लो पॉइंट को जब हम किसी भी स्टेटमेंट में शिफ्ट करते जाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो पॉइंट ज़ीरो ही होगा, तो पॉइंट को मान लो मैंने एक कदम शिफ्ट किया, यहाँ से 2 यहाँ से 3 यहाँ से 4 ऐसे, है ना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 10^5 उतने ही पॉइंट लग जाते हैं जितने हम आगे लेके जा रहे हैं पॉइंट को, यहाँ पे लेके तो पीछे 5 थे उतना ही 10^5 लग जाता है। ज़रूरत नहीं है आप इसको मत करो चाहे, ठीक है, बस आप मेन आ जाओ करना क्या है हमने। तो अब हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं, मेन थिंग हमारी जो है ओफो इमेजेस भी चली गई, सॉरी। तो हम अपना चलते हैं मेन क्वेश्चंस पे। देखो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंप्लीफाइंग एंड एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सिंप्लीफाई करो एंड एक्सप्रेस करो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है और हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब कम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है इकट्ठा करके। तो आपने शायद पहले भी किए हैं क्वेश्चन, इसका मैं कौन सा पार्ट, चलो एक दो पार्ट करवा देती हूँ। ये माइनस वाले आगे ना रहेगा तो सेम क्राइटेरिया सेम रहेगा, बस माइनस का है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जैसे करवाती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं फर्स्ट का सेकेंड पार्ट करूँ, ठीक है, फर्स्ट का मैं सेकेंड पार्ट करूँ, तो क्या है स्टेटमेंट 8^-6 मल्टीप्लाई बाई 8^4, ठीक है। तो अब देखो आपको पता है यहाँ पे बेसिस क्या है, दोनों बेसिस आर सेम, है ना, बेस सेम है,
पावर्स डिफरेंट है, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, यहाँ पे साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो कर दो ऐड, 8 raised to power, पहले की पावर कितनी है, -6, पावर्स ऐड हो जाएंगी ना, तो ऐड ही डालना है यहाँ पे हमने, ठीक है, 4, कुछ नहीं किया, सेम क्राइटेरिया यूज़ किया, माइनस है जहाँ पे तो माइनस लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस बेस सेम थे, सेंटर में मल्टीप्लाई थी, तो हमने सिंपली क्या कर दिया, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दिया, ऐड करेंगे, हमने तो ऐड ही किया है प्लस, पर देखो यहाँ पे होएगा क्या, बट एक्चुअली में क्योंकि आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 6 में से 4 गए 2, साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़ा कौन है, 6 और 4, 6 क्या है बड़ा, तो 6 के आगे माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, माइनस, सो दिस इज़ आवर आंसर, 8 raised to power -2, 8 raised to power -2 क्या है, इज़ आर आंसर। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं, 1 second, हाँ तो ये हमारा आंसर है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया ना, वैसे तो ये भी ठीक है, पर और डाल के लिख सकते हो इसको, और आप थोड़ा सा कैसे लिख सकते हो, अभी बताया था मैंने कि अगर पावर नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव में ले जाना हो तो क्या करो, रिवर्स कर दो बेस को, तो यहाँ पे 8/1 नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 1/8 raised to power 2, पावर क्या चली गई, प्लस में हो गई, ठीक है, तो आप इसको भी आंसर लिख सकते हो, चाहे इसको लिख दो चाहे इसको, एक ही बात है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है, बस माइनस से प्लस में ले गए पावर, तो 1/8 था, यहाँ पे 1/8 हो गया, ठीक है, तो नेक्स्ट इसका एक पार्ट हुआ, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से एक कर लेते हैं, कोई भी सेम ही है, ये फोर्थ वाला शायद कर लोगे, ये करवा देती हूँ थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला पार्ट है इसका, सो थर्ड वाले पार्ट में क्या है हमारे पास, 1/3 raised to power -2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर -3, ये हमें स्टेटमेंट है, थर्ड क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट पार्ट का, तो इसमें भी क्या है, सेम है, बेस क्या है, दोनों सेम है, सेंटर में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, सो बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो कर दो सिंपली ऐड, क्या आ जाएगा, 1/3 की पावर क्या है, फर्स्ट की पावर -2, ऐड होनी है ना, तो सेंटर में क्या डालोगे, ऐड का साइन, ठीक है, पीछे क्या है हमारे पास, -3 पावर, तो -3 है तो -3 लिख लो, हमें वो नहीं कुछ नहीं लेना कि पावर माइनस में है या प्लस में, हमने जो काम करना है मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो हमने तो ऐड करनी है पावर्स, तो हम तो ऐड डालेंगे, चाहे पावर्स के आगे माइनस हो चाहे ना हो, हमने तो सिंपली ऐड ही डाला यहाँ पे, ठीक है, अब जो होगा आगे प्लस माइनस माइनस वो अलग बात है, तो आगे क्या करेंगे हम, 1/3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 एज इट इज़, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस डाल दो, 3 का 3 एज इट इज़, ठीक है, सो आगे क्या होगा, 1/3, अब माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, सो 2 + 3 = 5, साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, बड़ा कौन है, 3 के आगे क्या है, माइनस, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, सो दिस इज़ अवर आंसर, अगर हमने इसको पॉजिटिव में ले जाना है पावर को, और डाल के लिख दो, तो ये क्या है, बेस उल्ट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 1/3 है तो क्या बन जाएगा, 3/1, या फिर ओनली कल्ला 3 भी लिख सकते हो, कि पावर कल्ला 5 आ गया पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में थी पॉजिटिव में आ गई, ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, चलते हैं वी मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, में देखो, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, वो ये सेम चीज़ ही करनी है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है और क्या है, मूव राइट करना है आंसर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है, तो सिंपल है, चलते हैं करते हैं आगे क्वेश्चन, इसका कौन सा पार्ट करवाऊँ, ये देखो एक चीज़ समझ लो, चलो ये सेकेंड वाला कराती हूँ, फर्स्ट वाला खुद से हो जाएगा, इजी है, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट भी कर लो अगर करना है, देखूँ इसके बाद वो हो जाएगा आपसे, नहीं फर्स्ट और थर्ड तो सेम है, थर्ड करा, सेकेंड और थर्ड करा देती हूँ, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, तो देखो सेकंड का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ, m raised to power 6/m raised to power 7, ठीक है, ये दिया हुआ है ना, तो देखो ये साइन किसका होता है, ओवर का मतलब भी क्या होता है, डिवाइड ही होता है, चाहे ऐसे डाल के लिख दो, चाहे इसको कैसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है, चाहे यहाँ पे डिवाइड डाल के लिख दो, ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग्स, चाहे ओवर डाल के लिख लो, चाहे इसको डिवाइड का साइन डाल के लिख लो, फर्स्ट क्वेश्चन में डिवाइड का साइन डाल के लिखा हुआ है, सेकंड में ओवर, बट बोथ थिंग्स आर इक्वल, ठीक है, सो डिवाइड करके लिख लो चाहे जैसे मर्जी, अब देखो आपको पता है हमने प्रॉपर्टी किया है, इफ़ बेसिस आर द सेम, बेस तो सेम है, बट फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सेंटर में क्या थी, मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिवाइड,
बेस सेम हो, सेंटर में क्या हो, डिवाइड, तो हमारी पावर्स क्या हो जाती है, प्लस या माइनस, माइनस हो जाती है ना। अगर मल्टीप्लाई होती है तो क्या होती है, पावर्स प्लस, बट अगर डिवाइड हो तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस। तो पावर्स को माइनस कर दो सिंपली। सो एम का एम तो एज इट इज़ क्योंकि बेस सेम है। कैसे चलता है ये, तो एम की पावर क्या है, पहले सिक्स, एम की पावर सिक्स, और क्या है, डिवाइड है, डिवाइड का मतलब डिवाइड है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस, तो माइनस पीछे क्या है, सेवन। ये चीज़ मैंने उस दिन भी बताई थी कि, बट आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो आगे पावर है उसको आगे ही लिखना है, जो पीछे है पीछे लिखना है, चाहे कोई बड़ी है चाहे छोटी, बट आगे वाली पावर को आगे लिखना है, पीछे वाली को पीछे। ऐसे नहीं लिखना कि सेवन को आगे लिख दोगे आप, ठीक है। तो सिक्स माइनस सेवन है, सिक्स माइनस सेवन ही रहेगा। तो आगे अगर लिखे इसको, एम की पावर सेवन में से सिक्स गए, हाँ कितना बचेगा, वन है ना, माइनस ही होगा इनका तो, और बड़ा कौन है, सेवन, सेवन के आगे माइनस है तो क्या लगेगी, माइनस। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। और इसको अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिख सकते हैं, एम के नीचे कुछ नहीं है, वन, तो उल्टा देंगे, वन ओवर एन एम रेज टू पावर वन, यही हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव में चलेगी पावर। सो बस यही है। अब इसके चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या है इसके, भाई ध्यान से देखो, 25/26 रेज टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 25/26 की पावर माइनस 5, ठीक है। तो इसमें भी देखो क्या है, सेम क्वेश्चन ही है, बेस क्या है, दोनों का सेम है, 25/6, 25/26, ठीक है। और बेस दोनों का सेम है, बट सेंटर में साइन किसका है, डिवाइड का, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस, तो माइनस कर दो, 25/26 की पावर क्या हो जाएंगी, पहली पावर कितनी है, माइनस 3, तो माइनस 3। सेंटर में क्या डालेंगे हम, तो माइनस डालेंगे, हो कुछ मर्जी, ठीक है, क्योंकि डिवाइड है तो हमने तो माइनस ही डालना है। सेकंड क्या है, माइनस 5, तो सेकंड हम क्या डालेंगे यहाँ पे, माइनस 5। क्लियर हुआ। तो आगे क्या हो, तो आगे क्या करेंगे यहाँ पे, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो वी गेट 25/26 की पावर कितना आ जाएगा, माइनस 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 है ना, यही आ जाएगा। देन 25/26 रेज टू पावर, आगे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 5 में से 3 गए, कितना आएगा, 2। साइन किसका आएगा, बड़ा कौन है, 5, तो प्लस का, तो ये प्लस में ही आई है हमारी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे थर्ड क्वेश्चन आ गया। सो थर्ड क्वेश्चन आ गया, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है हमें। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, इवेलुएट, सिंपली इवेलुएट करना है, मतलब कि इनको सोल्व भी करना है। तो ये तो ईजी है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, अगर मैं यहीं पे आपको सोल्व करके दिखा दूं, पहला क्या है, 3/0 मल्टीप्लाई 1/0, 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1 की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 मैंने क्या बताया, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 है ना। तो चाहे किसी की भी पावर 0, फर्स्ट वीडियो में बताया था, चाहे 100 की पावर 0, तो भी वो 1 बन जाएगी। तो ये भी 1 बन गई, 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1 की पावर 0 ही 1 बन गई। तो 1 × 1 = 1 हमारा क्या आ गया आंसर, इसकी वैल्यू 1। किसी भी पावर, किसी की भी चीज़ की पावर 0 है तो वो 1 बन जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये भी 1 बन गया, ये भी 1, तो 1 × 1 = 1 क्या आ गया आंसर। सेकंड अगर बात करूँ, देखो P की पावर क्या है हमारे पास, -4 की पावर 0। सेकंड को थर्ड के पार्ट चल रहे हैं, थर्ड का सेकंड ये है ना। तो अगर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर सिंगल बेस है उसके ऊपर पावर के ऊपर पावर है, दो दो पावर्स है ना, पहले पी के ऊपर -4 पावर है, देन 0 पावर है, तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो पावर्स जब मल्टीप्लाई होंगी, तो -4 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 ही बन जाएगा, है ना। -4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0। तो किसी भी चीज़ की पावर 0, आंसर कितना आ गया हमारा, 1। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। क्या किया फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, हमारे पास क्या थी, ये थी ना, सिंगल बेस था, पावर डबल थी, जब भी 2 या 3 पावर हो, पावर्स क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई। सो -4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 4 किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 = 1। सो 1 इज़ अवर आंसर सेकेंड का भी। क्लियर हुआ। अब चलते हैं थर्ड की तरफ।
सो थर्ड क्वेश्चन अगर मैं यही पे करवाऊँ आपको, सो थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखो, थर्ड क्वेश्चन ये रहा। इसमें भी क्या है, पता ही चल रहा है देखने से, किसी की भी पावर ज़ीरो, किसी की भी, जैसे नीचे कर लेते हैं अगर यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रही है, किसी की भी पावर अगर ज़ीरो, इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड का स्टेटमेंट क्या है, वन ओवर फाइव की पावर ज़ीरो माइनस वन ओवर एट की पावर ज़ीरो सारे की पावर ज़ीरो मल्टीप्लाई सेवन की पावर ज़ीरो। ठीक है, अब वन ओवर फाइव की पावर ज़ीरो है तो ये क्या बन गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन। अभी बताया किसी की भी पावर ज़ीरो वन, वन ओवर एट की पावर ज़ीरो है ये भी वन बन गया, सारे की पावर ज़ीरो है एज इट इज़ ज़ीरो है ना, ये ऊपर वाली ज़ीरो भी ऐसे ही डाल दी। अभी अंदर वाला सोल्व कर रहे हैं, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, ब्रैकेट को सोल्व करना है ना, तो सिंपली हमने ये जो क्लोज ब्रैकेट थी ठीक है इसको सोल्व किया है, तो अंदर वाले तो वन वन बन गए, ऊपर ज़ीरो पावर है ज़ीरो एज इट इज़ रहेगी, मल्टीप्लाई बाय सेवन रेज टू पावर ज़ीरो, किसी भी पावर ज़ीरो तो ये क्या बन जाएगी वन है ना। आगे वन माइनस वन किया तो कितना आएगा ज़ीरो, वन में से वन माइनस किए ज़ीरो, ज़ीरो की पावर क्या बन गई ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय वन, ज़ीरो की पावर ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय वन, तो ज़ीरो की पावर ज़ीरो कितना होगा भाई, ज़ीरो की पावर ज़ीरो कितना होगा बोलो, कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा, 2.1 का 3। तो देखो भाई एक चीज़ समझो मेरी बात, किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो है तो वो वन बनती है हमेशा है ना, वो क्या बनती है वन बनती है हमेशा, पर सिर्फ किसको छोड़ के, ज़ीरो को छोड़ के, किसको छोड़ के ज़ीरो को छोड़ के, पर अगर आपके पास ज़ीरो की पावर ज़ीरो आ रही है तो वो वन नहीं बनेगी, ज़ीरो की पावर ज़ीरो ज़ीरो ही बन जाती है, ये चीज़ याद रखना हमेशा ठीक है। सब जगह पे किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो क्या होती है हमारी, किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हमेशा वन बन जाती है, बट एक्सेप्ट किसको, ज़ीरो को छोड़ के, अगर ज़ीरो की पावर ज़ीरो है सो वो ज़ीरो बनेगी नॉट वन, वन नहीं बनेगी, क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन अगर मैं ध्यान से आपको दोबारा से करवाऊँ तो देखो हमने तो ठीक किया, पर दोबारा से समझा देती हूँ एक बार। सबसे पहले हमने किया क्या है इस क्वेश्चन में, 1.5 की पावर ज़ीरो क्या बन गई, पहले ब्रैकेट सॉल्व की, ये चीज़ की वैल्यू वन आ गई, माइनस वन बाय एट की पावर ज़ीरो भी वन आ गई, ये ऊपर जो ज़ीरो है इसको भी ऐसी रहने दो क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर है ना, ये ब्रैकेट के अंदर तो नहीं थी तो ये ऐसी रही, इंटू सेवन की पावर ज़ीरो की वैल्यू वन बन गई, यहाँ तक आ गया। सो वन माइनस वन किया ज़ीरो, ज़ीरो की पावर ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय वन, ज़ीरो की पावर ज़ीरो मैंने अभी बताया ज़ीरो ही रहेगी है ना, तो ज़ीरो को वन से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो विल बी अवर आंसर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ज़ीरो, तो ये थर्ड पार्ट हो गया। सो फोर्थ पार्ट अगर मैं करूँ इसका, फोर्थ पार्ट क्या है, थ्री की पावर ज़ीरो प्लस फोर की पावर ज़ीरो प्लस फाइव की पावर ज़ीरो डिवाइडेड बाय ए की पावर ज़ीरो प्लस बी की पावर ज़ीरो, ये है हमारा क्वेश्चन ठीक है। सो पहले थ्री की पावर ज़ीरो कितना बनेगा हमारे पास वन, प्लस फोर की पावर ज़ीरो भी कितना बनेगा वन, प्लस है सेंटर में तो प्लस डालते जाओ, फाइव की पावर ज़ीरो कितना बनेगा वन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी ए की पावर ज़ीरो कितना बनेगा वन प्लस बी की पावर ज़ीरो कितना बनेगा वन, जो साइंस है साइंस हमने चेंज नहीं करने, साइन जो है वो एज इट इज़ डालते जाओ, डिवाइड है डिवाइड, प्लस है प्लस ठीक है। सो वन प्लस वन प्लस वन कितना बना थ्री, डिवाइडेड बाय वन प्लस वन कितना बना टू, सो हमारे पास आंसर कितना आ गया थ्री ओवर टू ठीक है, थ्री बाय टू हमारा क्या आ गया आंसर, क्लियर हो गया सबको, तो ये क्या हमारा आंसर आ गया बस। तो नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, सिंप्लीफाई, इनको भी हमने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई ये तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल, ये हो जाएगा ये भी हो जाएगा, नहीं 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 इनमें बेस नहीं सेम, सॉरी 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 इनके बेस सेम नहीं है, एक क्वेश्चन करवा देती हूँ सेकंड और थर्ड करवा देती हूँ ठीक है, ये फर्स्ट से डिफरेंट इसलिए है, इसमें बेस सेम थे हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इनमें हमारे बेस नहीं सेम है, तो ये देखो कैसे करने हैं, इसमें ही प्रॉपर्टी लगनी है और कुछ नहीं होना, बट करवा देती हूँ आपको एक बार। तो फोर्थ का सेकंड पार्ट देखो क्या है, 11 की पावर माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री की पावर माइनस फाइव है ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया जब भी आपके बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, बट अगर आपके बेस सेम नहीं है आपकी पावर सेम है ना, स्टार्टिंग में बताया था बेस सेम नहीं है आपकी पावर सेम है, तो बेसिस आर मल्टीप्लाइड, तो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जब भी आपके बेस सेम ना हो पावर सेम हो
ठीक है, तो बेसिस आर मल्टीप्लाई, तो बेस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो बेस क्या क्या है, तो बेस क्या है हमारे पास 11 है, इधर क्या है 3, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 3, तो माइनस फाइव सेम है, तो ऊपर माइनस फाइव एज इट इज़ लगा दिया, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33, सो 33 की पावर माइनस फाइव, ये हमारा आंसर आ गया। और इसको पॉजिटिव में ले जाना हो तो 33 ओवर 1 है, कुछ नहीं है, तो रिवर्स हो जाएगा 1 ओवर 33 की पावर 5, तो दिस इज़ आवर आंसर, पॉजिटिव में ले गए माइनस से, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। अगर इसका मैं आपको थर्ड पार्ट सी पार्ट करवाऊँ इसी का, फोर्थ क्वेश्चन का, तो वो क्या है, वैसे तो सेम है, करवा देती हूँ, चलो इसकी पावर माइनस सेवन है हमारे पास, माइनस फोर ओवर नाइन की पावर माइनस सेवन मल्टीप्लाई माइनस थ्री ओवर एट की पावर माइनस सेवन है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है आपके बेसिस आर नॉट सेम, बेस तो सेम नहीं है, बट पावर्स आर द इक्वल, पावर्स क्या है दोनों की, ये इक्वल है माइनस सेवन माइनस सेवन, जब भी क्या है बेस सेम ना हो पावर सेम हो देन क्या हो जाता है बेसिस आर मल्टीप्लाई, तो बेस को क्या करवा दो मल्टीप्लाई, तो बेस मल्टीप्लाई क्योंकि सेंटर में क्या है मल्टीप्लाई है इसीलिए, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेस, ये क्या हो गया मल्टीप्ल माइनस फोर ओवर नाइन मल्टीप्लाई माइनस थ्री ओवर एट, तो बेस हमारे माइनस सेवन सेम है, तो एक माइनस सेवन को ऊपर लगा दो, तो माइनस से माइनस तो कट हो गया, चाहे माइनस माइनस प्लस कह दो चाहे कट कर दो एक ही बात है, ये आपस में कट हो रहे हैं मल्टीप्लाई है, तो कट तो करवा सकते हैं इनको अगर हो रहे हैं, हो रहे हैं, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, तो हमारे पास आंसर ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो वन बचा, वन ओवर नीचे कितना बचा थ्री और टू, थ्री टू जा कितना बन जाएगा सिक्स, तो वन ओवर सिक्स रेज टू पावर माइनस सेवन, ठीक है। इसको पॉजिटिव में ले जाना है तो उल्ट जाएगा सिक्स ओवर वन की पावर सेवन, ये क्या आ जाएगा हमारा रिमेनिंग आंसर। क्लियर हो गया फोर्थ क्वेश्चन, तो नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। सो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, तो फिफ्थ क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करनी है हमने इन सब की, ठीक है। तो ये देखो कैसे फाइंड करनी है, अभी बताती हूँ आपको, इसमें से कौन सा क्वेश्चन, ये तो आप चलो एक क्वेश्चन करवा ही देती हूँ, ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट है करवा देती हूँ आपको, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखो ये कैसे करना है। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, देखो इसका फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है थ्री की पावर टू मल्टीप्लाई टू की पावर माइनस टू, ठीक है, आगे फाइव की पावर टू डिवाइड बाय फाइव की पावर टू। तो अभी ये कैसे होगा क्वेश्चन, ध्यान से देखो यहाँ पे पहले ना, अभी इन पे अलग अलग प्रॉपर्टी लगनी है, एक हमारे पास ये है एक हमारे पास ये है, कुछ नहीं है, तो सेंटर में मल्टीप्लाई है ऑब्वियसली, इसको सारे को हमने सॉल्व करना है। तो इसमें फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसमें क्या है फर्स्ट वाले में बेसिस तो इक्वल है नहीं, पावर भी इक्वल नहीं है, कुछ भी नहीं इक्वल आ रहा, अभी बेस भी नहीं पावर भी नहीं, या तो क्या हो जाए इनकी पावर इक्वल हो जाए या फिर बेस, अब बेस तो थ्री और टू इक्वल नहीं हो सकते, पर पावर्स इक्वल देखते हैं हो सकती हैं, यहाँ पे टू है यहाँ पे माइनस टू है, तो माइनस टू से इसको टू में तो ले जा सकते हैं ना, अभी मैंने बताया कैसे ले जाना है, तो थ्री की पावर टू तो एज इट इज़ रहा, हमने टू की पावर माइनस टू है, अगर इसको पॉजिटिव में लेके जाना है तो टू के नीचे कुछ नहीं है वन है, तो इसको उल्टा देंगे तो वन ओवर टू की पावर टू भी तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हमने क्या किया, हमारे ना तो बेस से मारे थे ना पावर से मारी थी, तो हमने सोचा बेस तो इक्वल हो नहीं सकते थ्री और टू, बट पावर्स इक्वल हो सकती थी, यहाँ पे टू था यहाँ पे माइनस टू था, तो हमने क्या किया माइनस वाली को पॉजिटिव में ले गए, अभी सिखाया था माइनस पावर को पॉजिटिव में कैसे लेके जाते हैं, रिवर्स बाय रिवर्सिंग द बेस, बेस को रिवर्स कर दो, यहाँ पे टू था अकेला, टू ओवर वन नहीं था, कुछ नहीं था नीचे, तो हमने क्या किया वन ओवर टू बना दिया, तो हमारी जो पावर थी वो पॉजिटिव में चली गई, अब हमारी पावर्स क्या है दोनों सेम हो गई है ना। अब इधर अगर देखें राइट सेकंड में, इसमें क्या है फाइव की पावर टू डिवाइड बाय फाइव की पावर टू, तो फाइव की पावर टू डिवाइड है ना, तो डिवाइड का चाहे मैं इसको ऐसे लिख लूँ नीचे एक ही बात है, ठीक है, डिवाइड का साइन डाल के लिख लो, चाहे क्या है उसको इस तरह से लिख लो ओवर में एक ही बात है, इसको आप जैसे मर्जी, चाहे सिंपल कह दो कि बेस अगर इनके सेम है फाइव और फाइव और सेंटर में डिवाइड है, तो टू में से टू माइनस होएगा तो ज़ीरो बनेगा, किसी
जैसे मर्जी लिख सकते हो। इसको मैं दोनों तरफ से करवा के बता देती हूँ आपको। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपल डिवाइड के साइन को ओवर ओवर में लिख लिया, तो ये दोनों सेम है तो एक दूसरे से कट ही हो गए, 5 की पावर 2/5। ठीक है, और इधर क्या होगा, अब इधर क्या है, पावर सेम है तो इनके बेसिस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो बेस को कर दो मल्टीप्लाई। सो क्या हो जाएंगे, बेसिस आर मल्टीप्लाइड, है ना, बेस हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, और पावर क्या आ जाएगी इनकी, कॉमन ऊपर लिख दो 2, है ना, इनटू यहाँ पे 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 कट हो गया, तो कितना रह गया, सिंपली 1 रह गया। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ, 3 को 1 से कराया, 3 आ जाएगा, ओवर नीचे तो गला 2 ही है एक तरह से, तो 2 ही आ जाएगा, कितनी आ गया 2 पावर × 1, मल्टीप्लाई कर दो किसी भी चीज़ को 1 से, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, इसको कोई फ़र्क ही नहीं है। तो दिस इज़ अवर आंसर, ये क्या आ गया, 3 की पावर 2/2 इज़ अवर आंसर। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। मैं इस चीज़ को कैसे बता रही थी, चाहे तो सिंपल ऐसे लिख दो ओवर करके, जैसे हमारे पास यहाँ पे थी, एक्स्ट्रा बता रही हूँ, 5 की पावर 2/5 थी, है ना, ये था ना। तो अब देखो ये चल नहीं रहा, ये 5 की पावर 2/5 था। अब देखो इसको मैंने तो सिंपली ओवर करके लिख दिया और कट हो गए एक दूसरे से। इसको मैं ऐसे भी तो कह सकती हूँ कि अगर इनके बेस सेम है, है ना, 5 5 बेस सेम है, और ये इनमें सेंटर में क्या है, डिवाइड है, अगर बेस सेम हो सेंटर में क्या हो, डिवाइड, तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस, है ना। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 2 - 2, जब मैंने 2 में से 2 माइनस किया तो 5 की पावर 0 बनेगी, किसी भी चीज़ की पावर 0 = 1, तो ये आएगा तो = 1 नहीं आएगा। चाहे तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, जो साइड में मैं दी हुई है राइट साइड में, चाहे इसको सिंपल ऐसे लिख के सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया दोनों तरफ से कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो अब इसका सेकेंड पार्ट इसका मैं करवा देती हूँ, थर्ड कर लोगे आप, ये तो करा ही देती हूँ, चलो ऐसे करती हूँ, ये थोड़े आप मुश्किल है आपसे शायद ना हो पाए। ठीक है, तो इसका सेकेंड पार्ट क्या है, 28 π/4 q/2 / 12 p/q/3, ये दिया हुआ है हमने, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करो, अब देखो कुछ भी सेम सूम भी नहीं लग रहा ना ही इनकी बेस, ना ही इनका कुछ, तो सेंटर में सबसे पहले क्या है, डिवाइड है ना, सेंटर में क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड को ओवर की फॉर्म में लिख लो सबसे पहले। तो डिवाइड को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ओवर डाल के, अभी बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में डिवाइड का साइन है, तो ओवर और डिवाइड सेम ही थिंग्स होती हैं। तो मैंने इनको क्या किया, फ़िलहाल मैंने इनको ऐसे लिख लिया डिवाइड डाल के, ठीक है, ओवर में। तो ये पहले तो देखो, अगर मैं नीचे सॉल्व करूँ इसको थोड़ा सा, 28 π/4 q/2 डिवाइडेड बाय 12, देखो पी क्यू की इकट्ठी पावर 3 है ना, ये क्या है, पी क्यू की पावर 3 है, तो इसको मैं अलग अलग भी तो लिख सकती हूँ, π/3 अलग, q/3 अलग, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं, जब हमारे बेस डिफरेंट होते हैं तो हम, और पावर सेम होती है, जैसे यहाँ पे ऐसे होगा, p/3 होगी, q/3 होगी, तो इन्होंने क्या कर दिया, वो p और q को मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 कॉमन पावर लिख दी। तो उसको अगर मैं ओपन करके लिख दूँ तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, p/3 × q/3, क्यों, क्योंकि इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इनके बेस अलग है, पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करवा देते हैं ना, तो यही चीज़ बन जाएगी p/3। ठीक है, तो इसको मैंने ओपन करके लिख लिया इस तरह से। अब देखो ऊपर नीचे कुछ कट हो रहा है, क्योंकि कट तो कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है नीचे और ऊपर आपस में, तो कट कर दो, कौन से टेबल पे हो रहा है, 2 6 12, चाहे 4 पे सीधा 4 3 12, 4 7 28, ठीक है, और ये कट हो रहे हैं आपस में। यहाँ पे क्या है, पी की पावर क्या है, 3 है नीचे, है ना, ऊपर क्या है, पी की पावर क्या है, 4 है, नीचे क्या है हमारे पास, p/4 3, ऊपर क्या है, p/4 है। तो ये देखो, इसको देखो ध्यान से देखना, 7/3 तो एज इट इज़ रह गया जो कट करके आया, ऊपर क्या है हमारे पास, p/4 है, चाहे तो इसको ऐसे भी आप बोल सकते हो, p/4 है, तो p को मैं 4 times ओपन कर सकती हूँ, 4 times, नीचे हमारे पास p/3 है, तो p को मैं 3 times ओपन कर सकती हूँ ना,
ठीक है। चाहे तो इसको आप इस वे से कर लो, मैं इसका सेकंड वे भी बताती हूँ अभी, एक बार समझ लो। चाहे तो पी की पावर फोर है, इसको फोर टाइम ओपन कर लिया, नीचे थ्री टाइम ओपन कर लिया, ऐसे ऊपर क्यू की पावर कितनी है टू, तो क्यू को टू टाइम्स ओपन कर लो, और नीचे क्यू की पावर कितनी है थ्री, और इसको थ्री टाइम्स ओपन कर लो। अब कट कर दो, एक पी से एक पी गया, दूसरे पी से गया, तीसरे पी से पी गया, क्यू कितने चले गए दो चले गए, तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर कितना रहा कट कटवा के, सेवन ओवर थ्री बचा, एक पी बच गया, एक क्यू बच गया नीचे, तो सेवन ओवर थ्री, सेवन पी ओवर थ्री क्यू क्या आ गया हमारा रिमेनिंग आंसर। क्लियर हुआ? इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, एक वे और बता सकती हूँ, जैसे यहाँ पे अगर यही स्टेप मैं दोबारा से नीचे लिखूँ, ये भी ठीक है, और साथ में बता रही हूँ, जैसे हमारे पास ऐसे सेवन ओवर थ्री आया था, ऊपर क्या था हमारे पास पी की पावर फोर ओवर पी की पावर थ्री इकट्ठा ही था ना ये, और क्या था हमारे पास क्यू की पावर टू, और नीचे क्या था क्यू की पावर थ्री था आई थिंक, है ना, यस यही था। तो इसको हम एक तो मैंने ओपन करके बता दिया करने का तरीका, दूसरा देखो अगर मैं इसको सिंगल इसकी बात करूँ अकेले इस टर्म की, तो पी ओ पी की पावर फोर एक तरह से ये क्या है डिवाइड में ही है ना, पी की पावर फोर और पी की पावर थ्री सेंटर में इनके ओवर है, तो ये डिवाइड में ही है। अगर मैं इसको अलग से सॉल्व करूँ पी की पावर फोर ओवर पी की पावर थ्री, तो एक तरह से ये ऐसी है, है ना, डिवाइड में ही है एक तरह से। तो इसको मैं और कैसे, अगर ये डिवाइड में है इनके क्या है बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, तो इसको मैं सिंपली क्या लिख सकती हूँ, पी की पावर फोर माइनस थ्री वन ही बचेगा। तो देखो बचा तो हमारे पास ओनली पी बचा ना, तो देखो जब हमने कट किए, कट करने के बाद भी अकेला क्या बचा हमारे पास पी, तो आंसर तो सेम ही आएगा, यहाँ पे भी अकेला पी बचा, पी की पावर वन पी हो गया, यहाँ पे भी आंसर में हमारा अकेला पी आया, ठीक है ना, यहाँ पे भी हमारा अकेला पी आया, यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या आया अकेला पी आया। अगर मैं क्यू वाली टर्म को भी ऐसी सॉल्व करूँ इस तरीके से जैसे मैंने अब किया, तो क्यू की पावर टू ओवर क्यू की पावर थ्री, अब ये भी क्या है डिवाइड में है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ डिवाइड डाल के, है ना, डिवाइड डाल के लिख सकती हूँ, तो बेस क्या है सेम, बीच में क्या है डिवाइड, तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, क्यू की पावर टू माइनस थ्री हो गया। अगर मैं इसको माइनस करूँ, थ्री में से टू माइनस वन आ जाएगा, साइन किसका आएगा थ्री का माइनस वन, इसको मैं प्लस में ले जाऊँ तो हमारा क्या आ जाएगा वन अपॉन क्यू की पावर वन ही बनेगा ना एक तरह से, जब इसको इसके नीचे कुछ नहीं है वन, तो डिवाइड रिवर्स कर दिया वन ओवर क्यू की पावर वन। तो अब देखो हमारे पास इसका आंसर कितना, ओफ सॉरी, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आया, जो हमारी ये टर्म आई, मतलब इसका आंसर हमारे पास मेनली क्या आ गया वन ओवर क्यू ही आ गया, वन तो ऊपर लगाओ ना लगाओ वन ओवर क्यू। अगर मैं इस वाले आंसर में देखूँ, इस वाले आंसर में भी मेरा आंसर क्या आया था, वही एक तरह से वन ओवर क्यू ही है, ये नीचे ही है ना, ये क्यू हमारा नीचे है, तो इसको हम वन ओवर क्यू भी लिख सकते हैं, सारा कुछ मल्टीप्लाई में है यहाँ पे ये, ठीक है। तो एक तरह से हमारा आंसर तो सेम ही आता है, इसको चाहे तो आप इस ओपन करने वाले मेथड से कर लो, चाहे ये सीधा ही माइनस करके लिख दो, आपकी मर्जी है, दोनों तरह से आपका आंसर क्या आएगा राइट आएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे जैसे मर्जी कर लो जो आपको ठीक लगता है। सो नेक्स्ट चले अगर इसके थर्ड क्वेश्चन सी पार्ट की तरफ, क्या है थ्री की पावर माइनस वन डिवाइड बाय फाइव की पावर माइनस वन, ये है। तो थ्री की पावर, अब देखो ये क्या है यहाँ पे, ये तो सिंपल है, ये तो हो जाएगा, नहीं बट रुक जाओ एक बारी करवा देती हूँ। हमारे पास क्या है देखो, अब हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में है ना, अब हमें पता है अगर हमारे बेस क्या हो डिफरेंट हो बट पावर्स यहाँ पे जैसे सेम है, बेस तो डिफरेंट है बट पावर्स क्या है हमारे पास सेम है, जैसे यहाँ पे भी माइनस वन है यहाँ पे भी माइनस वन है, अगर हमारे बेस डिफरेंट होते हैं पावर सेम होती है, बट अगर सेंटर में मल्टीप्लाई होता था तो हम बेस को क्या करवाते थे मल्टीप्लाई करवा देते थे, जैसे थ्री फाइव या फिफ्टीन लिख के माइनस वन ऊपर एज इट इज़ लगा देते थे, पर यहाँ पे साइन डिवाइड का है, ये प्रॉब्लम आ रही है, मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पे हमारे पास, साइन क्या है डिवाइड का। तो पहले देखो क्या करेंगे, डिवाइड का साइन है तो इसको आप कैसे करोगे, देखो पहले तो आप इसको थ्री की पावर माइनस वन एज इट इज़ लिखा, ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे थ्री की पावर माइनस वन एज इट इज़ लिखा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में, ठीक है, शायद पिछली वीडियोस में, कि अगर हमारे पास जैसे ये है लेट किया टू डिवाइड बाय थ्री, अगर मैंने इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो पीछे वाली टर्म को क्या कर दो रिवर्स कर दो,
है ना। तो अगर मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में लेके जाना है तो क्या करो, पीछे वाली टर्म को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, पीछे वाली टर्म को रिवर्स कर दो तो ये क्या मल्टीप्लाई में बन जाती है। तो यहाँ पे भी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में ले जाने की कोशिश करूँ तो क्या बनेगा, देखो हमारे पास ये है, पीछे हमारे पास पूरी की पूरी ये टर्म है ना, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई में ले जाना चाहूँ तो क्या करेंगे इसको। बट मैं इसको ऐसे सोचूं, सीधा ही कर लो, ज़रूरत ही क्या है, रहने दो इतने डिफ़िकल्ट वे में जाने की। सीधा कैसे करोगे, थ्री की पावर माइनस वन है ना, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव में ले जाना चाहूँ, थ्री की पावर माइनस वन को प्लस वन में लेके जाऊँ, तो प्लस वन में कैसे जाएगी, थ्री के नीचे कुछ नहीं है तो वन है, तो इसको मैं वन ओवर थ्री की पावर वन भी तो लिख सकती हूँ, माइनस से क्या चलेगी प्लस में, सेंटर में डिवाइड है, डिवाइड रहने दो। फाइव की पावर भी माइनस वन है, फाइव के नीचे कुछ नहीं है तो वन, तो ये अगर मैं इसको पॉजिटिव में ले जानी चाहूँ तो ये भी क्या आ जाएगी, वन ओवर फाइव की पावर वन, यही बना ना। दोनों को मैंने क्या किया, पॉजिटिव में ले गई पावर्स को, तो ये तो वन है, चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, तो सिंपली हमारे पास क्या बचा, वन बाय थ्री डिवाइडेड बाय वन ओवर फाइव, यही बचा ना। वन है, वन को तो चाहे कंसिडर करो चाहे ना करो, किसी भी चीज़ की पावर वन, टू की पावर वन टू ही आ जाएगा, थ्री की पावर वन थ्री आ जाएगा, तो ये बचा। तो अब सिंपली डिवाइड है, अब मैंने बताया था आपको अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में लेके जाना है तो जो पीछे वाली टर्म है उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। यहाँ पे वन ओवर फाइव है तो क्या हो जाएगा, फाइव ओवर वन, तो फाइव वन जा फाइव, थ्री वन जा थ्री, सो दिस इज़ आवर रिमेनिंग आंसर। तो ये हमारा क्या है, आंसर बन गया। ये मेथड ठीक है, ऐसे कर लेना, ठीक है। पहले पावर्स को हम प्लस में ले गए, देन सिंपल था, उसके बाद तो कुछ भी नहीं था। अब इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या है, काफ़ी लंबी सी स्टेटमेंट है, फाइव ओवर फिफ्टीन की पावर है हमारे पास माइनस टू मल्टीप्लाई बाय थ्री ओवर फाइव की पावर है माइनस टू, बंद ब्रैकेट, उसके बाद क्या है, डिवाइडेड बाय टू ओवर फाइव की वैल्यू क्या है, हमारे पावर क्या है, माइनस वन। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इसको देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इस स्टेटमेंट को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको सेम, पहले तो देखूँ आप, यहाँ पे अगर मैं इसको कट करवाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें पहले कट हो रही हैं तो कट करवाओ सबसे पहले। तो जैसे फाइव और फिफ्टीन कट हो रहे हैं आपस में, फाइव वन जा फाइव, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, तो हमारे पास कितना आएगा कट करवाने के बाद, वन ओवर थ्री की पावर माइनस टू। कट होते हैं तो कट करवा दिया करो सबसे पहला काम तो, ठीक है। ये तो कट नहीं होते थ्री ओवर फाइव, तो इसको एज इट इज़ ही रखो, इसकी पावर कितनी है माइनस टू, तो माइनस टू, देन क्या है डिवाइडेड बाय, ये भी नहीं कट होते इसको भी एज इट इज़ रखो, टू ओवर फाइव की वैल्यू माइनस वन, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको क्या, हाँ अब तो इजी है, देखो मैंने आपको बताया हुआ है एक चीज़ और, कि जब भी हमारे बेस डिफरेंट हो, है ना, बेस डिफरेंट है, पावर्स क्या है सेम है, माइनस टू माइनस टू, सेंटर में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का है, तो ये बेस आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, वन ओवर थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री ओवर फाइव, ठीक है। इसकी पावर कितनी आ जाएगी, दोनों की पावर क्या थी माइनस टू, तो माइनस टू ही इसकी पावर आ गई। जो हमारा पीछे है इसको एज इट इज़ रखो भी, डिवाइडेड बाय टू ओवर फाइव की पावर माइनस वन, इसको भी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ आगे वाली चीज़ को सोल्व कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में थ्री से थ्री क्या हो गए कैंसिल, तो हमारे पास सिंपली क्या बचा, ऊपर वन नीचे फाइव, तो वन ओवर फाइव की पावर कितनी बची हमारे पास सिंपली माइनस टू, है ना। इधर क्या है हमारे पास डिवाइडेड बाय टू ओवर फाइव की वैल्यू माइनस वन, क्लियर हुआ। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस पावर्स को पहले प्लस में ले जाओ, अगर हम प्लस में लेके जाएं पावर्स, है ना, प्लस में अगर इन पावर्स को लेके जाएं, तो प्लस में अगर किसी पावर को ले जाना होता है तो रिवर्स कर दो। यहाँ पे वन ओवर फाइव है तो क्या हो जाएगा, फाइव ओवर वन की पावर टू, क्लियर। डिवाइड है, डिवाइड रहने दो। उसके बाद यहाँ पे टू ओवर फाइव है तो क्या हो जाएगा, फाइव ओवर टू की पावर वन, यही बनेगा ना, प्लस में ले गए। इसके बाद इसका कुछ हो रहा, फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा इसका, तो ये देखो फाइव ओवर वन की पावर टू एज इट इज़ रहने दो। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डिवाइड फाइव बाई टू, यही आया ना, वन ऊपर लिखो ना लिखो। तो सबसे पहले मैं ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना चाह रही हूँ, तो जब मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो इसको क्या कर दो, रिवर्स। अगर रिवर्स करे तो हमारे पास क्या आएगा, ये है मल्टीप्लाई, फाइव ओवर टू है तो क्या बन जाएगा, टू ओवर फाइव,
2/5 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको कुछ नहीं हो रहा इसका, तो इसको ओपन कर दो। 5 की पावर 2 है तो इसको हम 2 times लिख सकते हैं। 5 × 5 नीचे वाला 1 है, इसको लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं, चाहे 5/1 लिख लो चाहे ना लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। 2 times ओपन कर लिया इंटू 2/5 एज इट इज़, ठीक है। सो कट हो रहे हैं, 5 से 5 कट हो गया, ऊपर 5 × 2 कितना बन जाएगा ये 10, तो 10 इज़ अवर आंसर। नीचे तो 1 है, कुछ नहीं बचा, 10 नीचे 1 लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी, 5 × 2 = 10 हो गया, तो 10 इज़ अवर आंसर, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से करना है, देखते जाना है कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है, कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो सकती। ये वेरी केयरफुली करने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही मत कर लेना लाइटली। तो ये हो गया, हम कहाँ पे पहुँचे हैं अब देखो, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर पहुँचे हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमने फाइंड एक्स फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है हमने, एक्स फाइंड करनी है। तो ये देखो कैसे, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इसकी पावर एक्स है ना, ये फाइंड करनी है। ये इजी है वैसे, एक क्वेश्चन देख लो ध्यान से, हो जाएगा ये आपका, ये जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो हमारा 6th का 1st क्वेश्चन है, जो हमारा ए पार्ट है, क्या है, 7/8 की पावर -8 × 7/8 की पावर 3 7/8 की पावर x, ये है ना, ये x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम, ये तो इजी आपको देखने से पता चल रहा होगा, दोनों के बेस क्या है, सेम बेस सेम है, सेंटर में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड अप, तो ऐड कर दो, 7/8 की पावर कितनी आ गई, -5 प्लस क्या बन जाएगा 3, ठीक है, इक्वल टू 7/8 की पावर x एज इट इज़ लिखा रहने दो। अगर यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस, माइनस 8 में से 3 गए कितना आ जाएगा 5, 7/8 की पावर 5, बट बड़ा कौन है 8, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 7/8 की पावर x। मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बताया था, अगर हमारे बेस सेम हो और सेंटर में क्या हो, इक्वल, अभी तक हमारे सेंटर में मल्टीप्लाई थी या फिर डिवाइड थी, बेस सेम और सेंटर में क्या हो, इक्वल, तो हमारी पावर्स क्या हो जाती है, और ऑल्सो इक्वल, बेस एक दूसरे से मान लो कट हो जाते हैं, पावर्स क्या आ जाती हैं, इक्वल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -5। ये तभी होता है जब सेंटर में इक्वल होता है, तो एक्स की वैल्यू सीधा ही हमारी क्या आ गई, -5। तो ये हमारा 1st क्वेश्चन हो गया। इसका 2nd पार्ट देखो फटाफट से, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, 2nd पार्ट इसका ये है, क्या है, 4/7 की पावर -3 × 16/49 की पावर -1 इज इक्वल टू 4/7 की पावर x - 1। तो इसको ध्यान से देखो, अब सबसे पहले तो यहाँ पे बेस भी नहीं इक्वल हो रहा ना, बेस इक्वल नहीं हो रहा ना कहीं पे, 4/7 है यहाँ पे भी, 4/7 है यहाँ पे, 4/7 बन सकता है, बन सकता है कैसे, क्योंकि 4 × 4 क्या होता है हमारे पास 16 होता है, और 7/7 क्या होता है हमारे पास 49 होता है। तो जो हमारे पास 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 4 × 4 क्या बन जाता है 16, 2 times खोलने पे। और जो 49 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं, 7 square, बिकॉज 7 × 7 2 times खोलने पे क्या बनता है हमारा 49। तो 16 को हम 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, 49 को हम 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो 16/49 है, इसको हम 4 और 7 की फॉर्म में ले जाएंगे। देखो कैसे, जो आगे है इसको तो अभी ऐसे ही रहने दो, 4/7 की पावर -3 मल्टीप्लाई 16/7 को ध्यान से देखो, 4 की स्क्वायर लिख सकते हैं, और 7 को हम 7 की स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को हम 4 की स्क्वायर लिख सकते हैं, 49 को 7 की स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर पावर क्या है -1 एज इट इज़, इक्वल टू जो भी है एज इट इज़ रखो, 4/7 की पावर x - 1 एज इट इज़। आगे देखो, अब जैसे हमारे पास था 4/7 की, इसको तो ऐसे ही रखो मल्टीप्लाई, अब 4 की भी पावर 2 है, 7 की भी पावर 2 है, तो इसको इकट्ठे की पावर भी तो लिख सकते हैं, 4/7 सारे की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग की पावर 2 है, तो ऐसे ही इकट्ठे की भी लिख सकते हैं, ये चीज़ आप समझ लो। तो इसकी पावर जो ऊपर -1 थी, एक और ब्रैकेट डाल के ऊपर -1 एज इट इज़ रहने दो भी, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, इसको तो ऐसे ही रहने दिया -1 को, सिर्फ अंदर वाले को भी कर रहे हैं। अब बड़े वाली ब्रैकेट डालो, इक्वल टू जो इधर थी उसको एज इट इज़ रहने दो, 4/7 की पावर x - 1, ठीक है। आगे 4/7 की पावर -3 मल्टीप्लाई, अब मैंने बताया हुआ है सिंगल बेस हो, दो दो पावर्स हो, जैसे यहाँ पे 2 भी पावर है,
जैसे यहाँ पे टू भी पावर है और माइनस वन भी, तो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। जब हम टू वन जा कितना हो जाएगा हमारा टू, बट साइन माइनस का है तो माइनस भी आएगा, ठीक है। टू वन जा क्या हो गया हमारा टू, बट साइन माइनस का है तो माइनस भी आएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया फोर ओवर सेवन की पावर एक्स माइनस वन एज इट इज़। उसके बाद ये दोनों बेस सेम है तो सेंटर में क्या है, मल्टीप्लाई, तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, एडअप। सो फोर ओवर सेवन की पावर माइनस थ्री ऐड करेंगे ना, प्लस इधर क्या माइनस टू, तो माइनस टू एज इट इज़ इक्वल टू फोर ओवर सेवन की पावर एक्स माइनस वन, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, पहले माइनस हो जाएगा, तो माइनस थ्री माइनस टू इज इक्वल टू फोर ओवर सेवन की पावर एक्स माइनस वन। सो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो फोर ओवर सेवन की पावर कितना बन जाएगा, माइनस फाइव इज इक्वल टू फोर ओवर सेवन की पावर एक्स माइनस वन। तो अब देखो ध्यान से, अब क्या हो रहे हैं, अब क्या हो रहा है, हमारे बेस क्या है, इक्वल है, सेंटर में साइन किसका, इक्वल का। जब बेस इक्वल हो तो वो आपस में कट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, पावर्स क्या हो जाएंगे, ऑल्सो इक्वल हो जाएगी, तो हमारे पास एक्स माइनस वन किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स माइनस वन इक्वल टू किसके हो जाएगी, ये जो पावर है इक्वल हो जाएगी इसके, इक्वल टू माइनस फाइव की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो माइनस वन को इधर ले जाओ, जब माइनस वन को राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस माइनस फोर आ गया, बड़ा कौन है, फाइव का साइन आ जाएगा माइनस का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, तो ये क्या आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यू। तो हमारा क्वेश्चन क्या रह गया, एक सेवन्थ क्वेश्चन रह गया आई थिंक, एट्थ तो छोटा सा ही है, वो तो वैसे ही है। सेवन्थ क्वेश्चन देखो क्या है, अब ध्यान से देखो, कहते बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाई, कह रहे हम किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाई, हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, सो डैट टू गेट द प्रोडक्ट एज वन, जो इन इसका किसी नंबर से प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू कितनी बनेगी प्रोडक्ट की, वन, ठीक है। एट ओवर नाइन की पावर माइनस थ्री को किससे मल्टीप्लाई करें, सो डैट हमारा आंसर कितना बने, वन बने। क्लियर हुआ स्टेटमेंट, बाय व्हाट नंबर शुड एट ओवर नाइन की पावर माइनस थ्री भी मल्टीप्लाई, किस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें, सो डैट प्रोडक्ट विल बी वन, जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो कितनी आएगी वैल्यू उसकी, वन आएगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से देखो फटाफट से। अब देखो क्या करेंगे हम, हमें कहा है एट ओवर नाइन की पावर माइनस थ्री, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट कर लो, इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया, सो डैट हमारा आंसर कितना बने, वन बने, यही बोला है ना, कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट कर लिया, यहाँ पे लिख देना लेट एक्स, कि हमने एक्स लेट किया है, कि इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई करें, सो डैट हमारा आंसर वन बने। तो अब हमने एक्स की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे इसको सोल्व ही करेंगे, और तो कुछ हो नहीं सकता। पहले तो इस पावर को नेगेटिव में है ना, इसको पॉजिटिव में बना लो, तो पॉजिटिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको बेस को रिवर्स, एट ओवर नाइन है तो नाइन ओवर एट बन जाएगा, है ना, इन टू एक्स इज इक्वल टू वन। क्लियर हुआ, इसके बाद क्या होगा, अब और क्या कर सकते हैं, इसको हम एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, एक मिनट को इसका आंसर चेक कर लो, एक बार किस फॉर्म में दिया हुआ है इन्होंने, तो कुछ नहीं करने की ज़रूरत, अच्छा ठीक है, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत, ध्यान से देखो क्या करना है। हाँ तो क्या करेंगे, अब देखो ये हमें एक्स की वैल्यू तो चाहिए, ये तो नहीं हमें चाहिए, इधर वाला आगे वाला, तो जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में हो और उसको हम राइट साइड में लेके जाए, तो वो जैसे प्लस में है तो माइनस में हो जाती है ना, माइनस में है तो प्लस में, मल्टीप्लाई में हो तो उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड की, तो इसको हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये डिवाइड में चली जाएगी, वन ओवर नाइन ओवर एट की पावर कितनी आ जाएगी, थ्री, यही बन जाएगी ना, ठीक है। वैसे ना आप इसको एक मिनट अगर मेरी बात मानो, तो इसको आप ना नेगेटिव पॉजिटिव में ले जाओ ही ना, ज़्यादा ईजी रहेगा, तो बाद में जाके फिर आप कन्वर्ट करोगे इसको, इसको एज इट इज़ अब नेगेटिव में है ना, पावर को नेगेटिव में ही रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो फिर से आप चेंज करोगे, नेगेटिव में ही रहने दो, हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये जो सारी चीज़ है आगे वाली, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी, तो जब डिवाइड में जाएगी तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एट ओवर नाइन की पावर माइनस थ्री, यही हो जाएगा ना, ये चीज़ आगे है, जो ये जो सारी इधर मल्टीप्लाई में है, जब ये राइट में गई तो डिवाइड में हो गई, ठीक है, डिवाइड में चली गई।
अब डिवाइड में तो चली गई, अब हमें पता है डिवाइड में जाने के बाद अगर इसको मैं, हाँ जब भी देखो किसी भी जैसे ऐसे हो, लेट कर लो ये चीज़ है हमारे पास, 1/2 है, ठीक है लेट किया। अगर हमने इसको पॉजिटिव में बनाना है, इस पावर को क्या है जो नीचे हमारे पास है इसको पॉजिटिव में बनाना है ना, तो इसको ऊपर ले जाओ सिंपली, ऊपर जाके क्या बन जाएगी 2, जैसे यहाँ पे नीचे 2 है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगी 2^3, ठीक है ऊपर जाके क्या बन जाएगी 2^3। तो सिमिलरली कहाँ पे पहुँचे हैं हम, 8/9 हाँ। तो जब भी कोई भी चीज़ ऐसे नीचे नेगेटिव में हो ना, तो ऊपर जब वो चली जाती है तो अपने आप ही पॉजिटिव में बन जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे करो, क्या करेंगे हम देखो, जैसे नीचे है हमारे पास 1/ में है, नीचे क्या है 1 नहीं होना चाहिए, ऊपर और कुछ नहीं होना चाहिए 1, नीचे 8/9 है, तो जब ये ऊपर जाएगी ना तो सीधा ही 8/9 पॉजिटिव बन जाएगी 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो सिंपली बस जैसे कोई भी चीज़ अगर 1 के नीचे नेगेटिव में है किसी भी चीज़ की पावर, तो जब ये ऊपर जाएगी तो सीधा ही क्या बन जाएगी पॉजिटिव में, ये चीज़ याद रखना, ये भी एक रूल ही है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर मैं 8th क्वेश्चन की बात करूँ, तो 8th क्वेश्चन एक MCQ है, उसमें हमें क्या पूछा है देखो, अगर मैं इसको ऊपर ही करा दूँ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ऊपर ही करवा देती हूँ इसको MCQs को। क्या है देखो, हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, बस हमने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, ठीक है इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताती हूँ कैसे करना है। सॉरी हमारी इमेज चली गई भाई। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द स्टेटमेंट विल ट्रू, हमने ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, इसमें से फर्स्ट है जो ए, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, a^-m (a^-n) = a^-m + n। तो आप खुद बताओ इट इज़ रॉन्ग और राइट, ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग है, कैसे, क्योंकि ये दोनों हमें पता है ये बेस तो सेम है, जब भी बेस सेम हो सेंटर में मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए। अगर मैं इनको ऐड करूं तो ध्यान से देखो a^-m + -n यही बनेगा ना, ठीक है। तो आगे इसको मैं सॉल्व करूं, a^-m + -, क्या बनना चाहिए माइनस, ये बननी चाहिए a^-m - n, बट इन्होंने क्या दिया हुआ a^-m + n, तो इट इज़ रॉन्ग, तो ये रॉन्ग है पता ही चल रहा है, ठीक है सॉल्व करने से। इसका जो बी पार्ट है वो देखो, बी पार्ट में दिया हुआ a^-n - (a^-m)n, इट इज़ रॉन्ग और राइट, तो दिस इज़ राइट, कैसे, कि आपको पता है अगर सिंगल बेस हो, जैसे 2^ मान लो 3, 3^-5 है, तो हम क्या करते हैं सिंगल बेस हो तो पावर्स को क्या करा देते हैं मल्टीप्लाई, है ना, तो 2^5, 3 = 15, माइनस है 5 के नीचे आगे तो 5 माइनस लग जाता है। यही चीज़ यहाँ पे किया इन्होंने, a^-m + -n, तो mn आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो mn बन गया मल्टीप्लाई, n के आगे माइनस था माइनस भी लग गया, तो इट इज़ राइट, तो ये राइट है, ठीक है। इसका अगर मैं थर्ड पार्ट बताऊँ आपको, c a^m / (a^n) = a^n - m, तो ये चेक करो, ये क्या है बेस सेम है, पावर्स सेंटर में क्या है डिवाइड है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, अगर मैं इनकी पावर्स को माइनस करूँ तो a^m - n हमारा, मैंने आपको बताया हुआ जो आगे है उसको आगे रखना है, पीछे वाले को पीछे, तो m - n बना, बट इन्होंने दिया क्या हुआ है यहाँ पे n - m दे रखा है, तो इट इज़ रॉन्ग, तो ये रॉन्ग हो गया। अब डी पार्ट है जो इसका, a^-m (0) = a^0, तो अब देखो ये सेम है, सिंगल बेस है, पावर 2 है, 1^-m है, 1 क्या है 0 है, जैसे 2^ मान लो -3^0, तो हम क्या करेंगे -3 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 ही बन जाएगा, माइनस तो रहेगा ही नहीं, माइनस डालो 0 के आगे ना डालो ये सेम थिंग, तो -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया क्या बनेगा 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, -m को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही बन गया a^0, सो इट इज़ राइट, ये ठीक है। तो बस इसी से हमारी जो 2.1 है वो कंप्लीट हुई, हमारा सेकंड चैप्टर भी क्या है कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कोई डाउट हो तो आप क्या मुझे
पूछ सकते हो मैसेज करके।